तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल, और ये एडवांस एक्सेल की बेसिक कंसेप्ट है जिसमें लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ बातचीत किया था। एडवांस एक्सेल में पेस्ट स्पेशल की पहली पार्ट हमने ली थी, आज हम आपके साथ सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। और नोट पैड देख रहिएगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा उसको जरूर नोट कर लीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को आपको दे रहा हूँ, ये रहा मेरा कंप्यूटर स्क्रीन, और हम बात कर रहे हैं पेस्ट स्पेशल में। आगे चलिए, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि मैं एक ज़ूम करता हूँ इसको, हाँ यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है। अगर हम यहाँ 20 को कॉपी करें और 30 के ऊपर पेस्ट करें तो 30 रिप्लेस बाय 20, राइट सर? यस सर, 30 रिप्लेस बाय 20। लेकिन अगर मैं इसी के ऊपर राइट क्लिक के राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हमारे पास यहाँ ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन पे ऐड पे क्लिक कर लिया, तब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा। और आपको मैंने बोला था इसी टॉपिक पे ऑफिशियल यूज लाने के लिए कि ऑफिस में बेसिकली इसका यूज क्या होगा, इस चीज को लाने के लिए मैंने बोला था। राजेश जी गुड मॉर्निंग सर, राजेश राम जी इस पे रिसर्च किया था आपने इस टॉपिक पे? हाँ सर, मैंने आपके वीडियो वगैरह भी देखे थे, वो परसेंटेज वगैरह निकालने के लिए आपने बताया हुआ था सर। चलिए मैं दोबारा इस पर बता देता हूँ क्या है। देखिए इसका यूज जो है कई सारे केसेस में हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए कि उससे पहले परसेंटेज समझिए परसेंटेज क्या है, जो कि मैंने वीडियो में बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि अगर यहाँ आप अगर लिखना चाहते हैं 20% तो 20% का सैम्पल देना पड़ेगा। अगर आपने 20 टाइप करके परसेंट बाद में लगाया तो क्या होगा, 2000% हो जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे बाद में अगर परसेंटेज लगाना है तो 0.20 एंड देन परसेंट, सॉरी माफ कीजिएगा, 0.20 डालने के बाद हम यहाँ परसेंट का सिंबल लेंगे, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है, 1 = 100%। तो अभी क्या है कि मेरे पास मेरे कलीग जो है डेटा भेजते थे, वो परसेंटेज का हेडिंग दे देते थे और मुझे इस डेटा को भेजते थे इस तरह से। अब डेटा उनके हिसाब से परसेंट है, पर सिस्टम के हिसाब से नंबर है। उनके हिसाब से 42% है, पर सिस्टम के हिसाब से 42 नंबर्स है। अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट किया जाए तो 42000% हो जाएगा, 4200% हो जाएगा। तो मुझे इसको एक्चुअली परसेंट में लाना है क्योंकि कैलकुलेशन कर ली। अगर मैंने यहाँ पे 500 दिया और यहाँ पे 42 इन द परसेंट फॉर्मेट में दिया तो हमें जस्ट इस पे मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई। अगर आपने इसमें 500 और 42 डाला हुआ है तो सिर्फ मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ए रिजल्ट बढ़ जाएगा। तब हमें डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। पर प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास जो मेरा फॉर्मेट बना है जिस पे मैं डेटा पेश करते मैं रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन जाता है, उस पे प्रॉब्लम ये है कि दो मैंने कि सिर्फ परसेंटेज फॉर्मेट की फॉर्मूला डाली गई है और वो कई सारे जगहों से डेटा आता है। तो अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग मुझे परसेंटेज में ही भेजते हैं, कुछ लोग हैं जो कि नंबर में भेजते हैं। अब कुछ लोग के वजह से मैं अपना कैलकुलेशन अगर चेंज कर दूंगा तो क्या होगा, डेटा गड़बड़ हो जाएगा। मैं पेज अपना डेटा में पेश करने से पहले ही इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ मतलब परसेंटेज। बट प्रॉब्लम ये है कि 1/1 परसेंटेज में मैंने किया तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसे और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे जो बेटर तरीका है कि आप यहाँ पे 100 टाइप करें और इस 100 को कॉपी करें, इसके ऊपर आए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहीं पे आपको दिखेगा डिवाइड डिवाइड।
तो इसको 100 से डिवाइड कर लिया, आपको यहाँ पे रिजल्ट शो हो गया। ठीक है सर? यस सर। अब एग्जांपल वन था, अभी हम बात करते हैं एग्जांपल टू की। एग्जांपल टू में सेम चीज है, लेकिन इसमें मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ मान लीजिए जैन फैब मार्च, इस तरह के मंथ दे दिया, नेम पूजा नीरज कविता कविता मोहन उदय निशा इंद्र। ये हमारे मंथली सेल्स है और जस्ट इसके बगल में ही इसके मंथली हमारे क्या है टारगेट्स है। अब टारगेट्स में प्रॉब्लम क्या है कि मुझे हर महीने का हर पर्सन का अलग अलग टारगेट है। अब मुझे उसके हिसाब से अचीवमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्ट हमें शो करनी है वहाँ पे फिगर से कोई मतलब नहीं है कि 16 सेल हुआ तो इस 16 से कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है किससे कि कितना परसेंट टारगेट अचीव किया हुआ, समझे कि कितना परसेंट टारगेट अचीव किया है। तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कीजिए और इसको सेम सीक्वेंस में है तो इसको आप पेस्ट कर सकते हैं डिवाइड। याद रखिएगा मैनी टू मैनी वन टू मैनी, मतलब कि आपके पास अगर यहाँ पे 70 है तो 70 से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं तो वन सॉरी सिलेक्शन नहीं किया था, हाँ इसको कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे डिवाइड, और फिर आप इसको मैनी टू मैनी भी कर सकते हैं लेकिन सीक्वेंस सेम होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कम है तो रहा है, अब इस पर आप चाहते हैं कि पूरा कर ले लेकिन नहीं होगा, तो जितना ये है उतना ही होगा, समझे इसका ध्यान रखिएगा। वन टू मैनी करेंगे तो जितना सिलेक्टेड होगा उस सब पे जाएगा, मैनी टू मैनी करते हैं तो जितना आपका दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर जिस एरिया को आपने कॉपी किया जहां आप करना चाहते हैं वो अगर चार है तो चार को ही करेगा, 400 को नहीं करेगा, लेकिन 400 दोनों तरफ है तो फिर 400 को 400 से कर देगा। और दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए कि ये फॉर्मूला में आया हुआ है कि हर कॉलम में मेरे पास डिफरेंट फॉर्मूला है और मैं चाहता हूँ फॉर्मूला रिमूव किए बगैर डिवाइड कर, तो भी किया जा सकता है सिंपल, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे अगर जब डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूले को रिप्लेस नहीं करेगा, आप देखिए फॉर्मूले को ब्रैकेट में लेके इसने 62 से डिवाइड कर दिया। दूसरा कि अगर मैं मान लीजिए कि जहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ नहीं लेकिन जहाँ से मैं पेस्ट कॉपी कर रहा हूँ वो फॉर्मूला है और हर कॉलर में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है, फिलहाल तो मैं रैन बिटवीन लगा रहा हूँ लेकिन मान लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे इसको कॉपी करेंगे और इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे देखिए क्या आ गया, अगर आप डिवाइड करते ऊपर क्या सिलेक्ट है ऑल सिलेक्ट है तो क्या करेगा फॉर्मूला से डिवाइड होगा, देखिए फॉर्मूला वो डिवाइड किया, लेकिन अगर आपने पेस्ट स्पेशल में सेलेक्ट कर लिया वैल्यू तो इसकी वैल्यू डिवाइड करेगा और रिजल्ट आपके सामने आएगा। ओके चलिए अब तीसरा एग्जांपल की बात करते हैं। तीसरा एग्जांपल है हमारा, मान लीजिए कि आपके पास वो सेल्स का फिगर है सेल्स फिगर यहाँ पे और आपको उस पे देना है इंसेंटिव, लेकिन आप इंसेंटिव देने से पहले एक बार इसको क्रॉस चेक करवाना चाहते हैं भाई कोई गलती पे एरर तो नहीं है क्योंकि आप पैसा पे करने जा रहे हैं,
तो अब यहाँ पे क्या है कि जो क्यूसी टीम है उसने इसको चेक किया और चेक करने के बाद कुछ एरर्स को ढूंढा, जैसे कि 66 के जगह पे 16 होना चाहिए था, 48 के जगह पे 84 होना चाहिए था, 31 होना चाहिए, कुछ कुछ में। और जो आपकी जो क्यूसी टीम था जो क्रॉस चेक कर रहा है, तो उसने करेक्ट वैल्यू को चेंज नहीं किया, उसके सामने लिख दिया। अब ऐसे अब हजारों में सैकड़ों लिख दिया गया, आपने देखा कि हाँ सब ठीक है, अब मुझे इस पेज को अपडेट करना है। तो बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग फिल्टर लगाया करते हैं, कुछ लोग इफ फॉर्मूला लगा देते हैं, कुछ लोग मैनुअल कॉपी भी करते हैं, इसको कॉपी करके पेज इस तरह से वन बाई वन। लेकिन इसका सही तरीका क्या है मैं बताता हूँ कि आप इसको कॉपी कीजिए सॉरी, और इस पे सेलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में आप जो है सेलेक्ट करें स्किप ब्लैंक। ब्लैंक। अगर कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेटेड स्किप ब्लैंक। तो स्किप ब्लैंक क्या करेगा कि जो ब्लैंक्स रो है उसको स्किप करेगा, उसी वैल्यू को पेस्ट करेगा जिसमें नंबर्स है, पर सीक्वेंस मैच करेगा। ऐसा नहीं है कि इसने यहाँ मिला तो इसको उठा के 90 पे डाल देगा, नहीं, वो ब्लैंक सेल है चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे ही पेस्ट करेगा, सीक्वेंस को मैनेज करेगा। तो देखेंगे कि आपका सामने आपका चेंज हो गया। अगर जनरली कॉपी पेस्ट करते तो ब्लैंक भी आ जाता, लेकिन इसने ब्लैंक को नहीं लाया। तो राजेश जी एंड राधेश्याम जी, जी आप दोनों आदमी को पेस्ट एज ए लिंक समझ में आया? अभी तक समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, आ रहा है समझ में सर। चलिए अब एग्जांपल नंबर 4 पे बात करते हैं। तो सुजीत सर, हाँ बोलिए। एक क्लास के बाद ना मुझे यदि राधे श्याम जी मतलब इंटरेस्टेड है तो इट्स ओके, मुझे ना 2-3 मिनट आपसे चाहिए रहेंगे सेपरेट। ठीक है, मिल जाएगा। अब यहाँ जो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 में हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोज की। हालांकि ट्रांसपोज जनरली लोगों को आता है, लेकिन फिर भी मैं टॉपिक पुराने के लिए बता देता हूँ, हो सकता है कि ना आता हो, लेकिन मोस्टली अभी तक जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सबको आता है। तो पेस्ट कॉपी करके इसको आप करते हैं राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में आप करेंगे ट्रांसपोज, तो क्या करेगा हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसका बेनिफिट कहाँ होता है, तो कई केसेस में चार्ट्स में इसको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक बात करते हैं पेस्ट एज ए लिंक। जैसे मान लीजिए कि वैल्यू यहाँ पे जो टाइप है इसकी सेम मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं यहाँ चेंज करूँ तो यहाँ भी चेंज होना चाहिए। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि इक्वल प्रेस करते हैं और इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं, और उसके बाद इसको ड्रैग कर लेते हैं, जैसे आपने इसको ड्रैग कर लिया, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ पार्ट चाहिए होते हैं, जैसे कि मैं नेम इंदर और ओम को लेना चाहता हूं। अब इसको कॉपी करके आप पेस्ट एज ए लिंक पेस्ट कर सकते हैं। देखिए पेस्ट एज ए लिंक, इस पे क्लिक कीजिए पेस्ट हो जाएगा, और लिंक भी है, अगर पूजा की वैल्यू चेंज होती है तो यहां भी चेंज होगा। सेम सीट अनोदर शीट अनोदर फाइल, तीन तीनों पे कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, तो इसके बेनिफिट के लिए मुझे चाहिए होगा एक डेटा। चलिए मैं एक डेटा लेता हूं तो वो छोटा रहता है, चलिए छोटा डेटा लिखा हुआ इसी को लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 5 होना, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब क्या है कि मुझे क्या है कि मेरे पास मान लीजिए कि इस तरह का डंप डेटा आ रहा है, कहीं से सॉफ्टवेयर से डंप डेटा आता है, और मुझे इसको किसी को भेजना है, दो या 4 या 5 लोगों को भेजना है। बट प्रॉब्लम क्या है सर
कि पांच लोगों को जो भेजना है तो पांचों को डिफरेंट डिफरेंट भेजना है, पांचों को डिफरेंट डिफरेंट भेजना है, राइट सर? यस सर। तो प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए कि मुझे भेजना होता है, मान लीजिए सेंड वन यानी कि पर्सन वन को भेजना है, हमें पर्सन वन को भेजना है, तो पर्सन वन को जो भेजना होता है वो हमें डेट नहीं भेजना होता है, आईडी नहीं भेजना होता, आईडी और डेट नहीं भेजना होता है, ठीक है? इसमें एरिया नहीं चाहिए होता है और एमआरपी नहीं चाहिए होता है, क्वांटिटी चाहिए होता है। पर्सन नंबर टू को मुझे जो भेजना है वो भेजना है, इसमें नेम सिटी नहीं भेजना है, एरिया भेजना है, डेट भेजना है, क्वांटिटी एमआरपी भेजना है। तो क्या होता है कि एवरी टाइम मुझे जब डेटा रिसीव होता है तो मैं उसको उसमें से कॉपी करता हूँ, सिलेक्टेड कॉलम्स को रखता हूँ, बाकी कॉलम्स को डिलीट करता हूँ, और मेरे जो कॉलम्स हैं वो हजारों में है, थोड़ी हजारों छोड़िए मतलब कि 20-25 कॉलम्स हैं। फिर भी आपको अगर 10 लोगों को भेजना है तो 20-25 कॉलम्स में से अगर पर्टिकुलर कॉलम को छाट छाट के भेजने में आई थिंक आधा घंटा का टाइम तो लग ही जाएगा सर। बिल्कुल सर। क्या राजेश राम जी, यस सर, मोटिव समझ रहे हैं राजेश जी? मैं क्या मोटिव समझा रहा हूँ आपको? नहीं सर, थोड़ा सा फिर से सर पीछे थोड़ा सा आइएगा सर। सुनिए बताता हूँ, मेरे पास से डेटा मिला है, राइट? जी, बट क्या है कि सिक्योरिटी रीजन से मुझे पूरा का पूरा डेटा दो लोगों को भेजना, फिलहाल मान लीजिए दो लोगों को भेजना है, जी, सिक्योरिटी रीजन से पूरा डेटा नहीं भेजना है, लिमिटेड फील्ड्स देने, लेकिन दोनों को सेम नहीं, दोनों को अलग अलग, जी, जैसे कि पर्सन वन को जो भेजना है हमें नेम सिटी क्वांटिटी भेजना है, और पर्सन टू को जो भेजना है वो आईडी डेट एरिया क्वांटिटी और एमआरपी भेजना है, इसमें नेम और सिटी नहीं है, जी, सेलेक्टेड फील्ड के साथ भेजना, ठीक है। तो आपको जब डेली बेसिस पे जब डेटा आएगा, डेटा को कॉपी करोगे, यहाँ पेस्ट करोगे, आप इसमें से जो जो कॉलम चाहिए उठा के यहाँ पेस्ट करोगे, फिर जो जो कॉलम चाहिए फिर यहाँ पेस्ट करोगे, ऐसे अगर 10-15 लोगों को भेजना हो गया तो 10-15 शीट्स तैयार होगी, 10-15 बार कॉपी पेस्ट और उसके कॉलम्स डिलीट या पर्टिकुलर कॉलम्स रखेंगे, जी, एवरी टाइम, जी, ये सब करने में आपको आधे घंटे से ऊपर का टाइम तो लग ही जाएगा। बिल्कुल 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 सर। तो इसमें आप पेस्ट एज ए लिंक का एक सिस्टम बना सकते हैं, जैसे पर्सन वन को चाहिए नेम सिटी एंड क्वांटिटी, यही चाहिए ना सर? जी। तो आप वन टाइम क्या करें कि यहाँ पे नेम सिटी को कॉपी किया, वन टाइम करना है आपको, ठीक है सर? पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक, फिर क्वांटिटी को उठाया हमने, क्वांटिटी को और कॉपी किया और इसको राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक, या फिर ये भी कर सकते हैं आप कि आप पूरे को पूरे कॉपी कर लें और पार्ट टू पे पेस्ट स्पेशल में भी कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं, पेस्ट एज ए लिंक, और मुझे इसमें से नेम और सिटी नहीं चाहिए, मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है? अब दोनों जो ये दोनों सीट जो है आपके मेन सीट से लिंक है, आपने अगले दिन क्या हुआ, डेटा डिलीट कर दिया, आपका पूरा डेटा डिलीट हो गया, ब्लैंक दिख रहा है सारा, फिर आपने नया डेटा लिया और इस पे आपने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करते ही यहाँ पे पूरा फिल हो गया सर जी। बट इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये रहेगी कि जैसे डेटा कमेगा बढ़ेगा ना, तो कमेगा तो फिर इसको नीचे कॉपी पेस्ट करना पड़ जाएगा और घटेगा तो फिर डिलीट करना पड़ जाएगा, ये छोटा सा दिक्कत रहेगा सर। तो आगे फॉर्मूले वगैरह से इस दिक्कत को दूर किया जा सकता है, समझ गए? बिल्कुल सर, जब डेटा का साइज कम ज्यादा होगा तब हमें ध्यान देना होगा सर। हाँ, ध्यान देना होगा, तो उसका भी सोल्यूशन आगे है, अभी तो स्टार्टिंग स्टेज है ना सर। जी, तो स्टार्टिंग स्टेज में तो सर ये चीज़ बताऊंगा, जब आगे चीज़ बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर,
आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अभी तो आपका आपको मैं आवश्यकता दे रहा हूँ, फिर मैं इसकी आविष्कार बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर्स। अब जैसे डेटा है मुझे, इसको पिक्चर में कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन आता है कि पिक्चर में कन्वर्ट क्यों करना है? टेबल ना हो? नहीं नहीं, वो भी है, वो भी चलेगा। और भी चीज होती है, जैसे डैशबोर्ड वगैरह हम बनाते हैं ना सर, जी जी, तो वहाँ पे हमें छोटे से एरिया में एक डेटा को दिखाना है। मान लीजिए कि इतना छोटा एरिया है हमारा, इसमें मुझे पूरा डेटा दिखाना है, इतना छोटा हो गया। हाँ, इतना। अगर अब क्या होगा, तो इसके लिए हम इसकी साइज कम करेंगे, कॉलम की साइज, रो की साइज कम करेंगे ना सर, ये कम करेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा सर? उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि नीचे का डेटा मान लो बड़ा है तो भी छोटा हो जाएगा, जी, फॉर्मेटिंग बिगड़ेगी। तो अब इसके बाद है कि बहुत छोटा करूंगा तो और दिक्कत होगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको पिक्चर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसको अपने हिसाब से छोटा, जितना एरिया में आपको फिट करना है उसके हिसाब से कर लीजिए। ठीक है सर जी, इस तरह से कर सकते हैं जी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक आती है कि ये आपको एवरी टाइम करना पड़ जाएगा। मान लीजिए मैंने 52 को 120 कर दिया और इसको कलर कर दिया ग्रीन, तो इसको सर पिक्चर लिंक के साथ पेस्ट करेंगे? जी हाँ, तब उस केस में जब आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको पिक्चर लिंक में, जब आपको ऐसा लगता है कि अपडेट बार बार हो रहा है तो इसको पिक्चर लिंक करेंगे आप। ठीक है, पिक्चर लिंक में जैसे ही चेंज होगा, जैसे मान लीजिए मैं 80 करके एंटर मारा तो 80 हो जाएगा, और जैसे मान लीजिए कि मैंने इसकी बैकग्राउंड कलर कुछ और कर दिया, कलर भी अपडेट होता है इसमें। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि ये तो 35 तक था, कल के रेट में ये आ गया, मान लीजिए कि एक नया पुनीत नाम का लड़का आ गया। अब ये पुनीत का इसमें ऐड कैसे हो? दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा? नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट, देखिए एक्सेल में क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो लिंक है वो किसी न किसी फॉर्मूले से ही लिंक है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्मूला यहाँ दिखेगा, तो आपको क्या करना है, इसकी फॉर्मूले में एडिट कर देना है कि 5 की जगह पे 6 कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। राइट सर, क्या कराया सर, इसको रिपीट करेंगे हमने यहाँ? या देखिए, जब हमने पिक्चर को पहले सिलेक्ट किया और पिक्चर के ऊपर इसका फॉर्मूला है, जी जी जी, इस फॉर्मूले में क्या है, 5 तक है, पर डेटा मेरा 6 हो गया, हमने यहाँ 5 को 6 कर दिया। ओके, रेंज बढ़ा दिया, रेंज बढ़ा दिया और ये अपने आप आपके सामने शो हो गया। जी जी, ठीक है सर। हेलो, हेलो, यस सर, क्लियर है सर? तो ये फाइल मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस पर्पस। जी जी, आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और अगली क्लास में हम बात करेंगे पिक्चर लुकअप्स के बारे में। लेकिन उस पिक्चर लुकअप से पहले उसकी वीडियोज मैं आपको अभी थोड़ा देर में सेंड कर दूंगा, आप उसकी वीडियोज देख सकते हैं। जी जी, तो अपनी ईमेल आईडी चैट कर दीजिए ताकि मैं आपको भेज सकूँ। ये सर मेरा यही है जो मैंने भेजा हुआ है, मैं चैट करूँ सर? हाँ, इस पे चैट है ना जूम पे? जी जी, चैट में दे रहा हूँ। तो डेली बेसिस पे इस तरह से क्लास की फाइल मिलेगी प्रैक्टिस के लिए, और रिसर्च भी मिलेगा, बट रिसर्च आप लोग जरूर कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को रिसर्च में कुछ और तो नहीं, बट एक वीडियो भेज रहा हूँ पिक्चर लुकअप का, उस पिक्चर लुकअप की वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपको इस पे मेल पे ही भेज देता हूँ, क्योंकि पिक्चर लुकअप जो है थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं चाहूँगा कि आप जो है उसको करें। और राजेश जी, मुझे आपके तरफ से आपका लास्ट प्रोजेक्ट की फाइल नहीं मिली है। लास्ट प्रोजेक्ट कौन सा सर? अब ये भी बताना पड़ेगा, बीच बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट था बस।
ये भी बताना पड़ेगा, लास्ट क्लास में बताया तो था, एक बार बता दीजिए साहब। फॉर्म बनाने के लिए नहीं बोला था मैंने आपको? हाँ फॉर्म बनाने के लिए, मैं इसमें स्टक हो गया था बस, ये करने में थोड़ा सा ना दिक्कत हुआ। दिक्कत हुआ तो मुझे फोन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं ना, जी। स्टक होके छोड़ दीजिएगा तो फिर वही होगा। अब जैसे देखिए राधे श्याम जी ने मुझे भेजा है, तो मैं इसकी प्रॉब्लम की जो है आइडिया को समझ रहा हूँ कि वो क्या दिक्कत हो रही है, समझ गया ना। अब मैं जब इसकी फॉर्मेटिंग क्लास शुरू करूँगा इसको अच्छे ढंग से समझाऊँगा मैं उनको, तो ठीक है। ये सर